इफ्तार पार्टी की पहले सबसे पहले मैं सबको क्या बोलते हैं बधाई देना चाहूँगा कि यू नो ऐसे ओकेजन पे एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और प्यार बढ़ता है. यू नो इफ्तार पार्टी तो एक बहाना है बट मोर अब मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, तो ऐसे मौके कभी छोड़ने नहीं चाहिए. यू नो तो मैं पहुँच गया. यू नो इट्स अ वंडरफुल, एक बहुत ही बढ़िया मौका है, तो मैं बोला छोड़ना नहीं चाहिए. ये है द लास्ट एनकाउंटर की टीम. ये एनकाउंटर की हमारी जो सो कॉल्ड लास्ट एनकाउंटर की टीम है एंड वी आर वर्किंग टुगेदर हेडिंग टू अ गुड मिशन जो शायद यू नो आएगा तो लोगों तक पहुँचेगा. वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है. एक मैं प्रोड्यूसर साहब को मतलब बोलना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए कि ऐसी फिल्मों का मतलब ये यू नो विल थिंक के बनाए या नहीं बनाए. बिकॉज फिल्म देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. बिकॉज ऐसी फिल्म को बैकिंग करना भी उसके लिए जिगरा चाहिए. सो थैंक्स टू हिम अगेन. थैंक्स टू डायरेक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग मैन सीरियसली. और मैं बहुत मतलब तहे दिल से बोल रहा हूँ कि आई वॉज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक्स टू विकी कि इसने मुझे ढूंढ के निकाला. कहाँ से ढूंढ के निकाला मुझे नहीं मालूम. एंड हाँ इन्होंने ढूंढ के निकाला और ढूंढ लेता मैं उसका हिस्सा बन गया. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सच ए ब्रिलियंट फिल्म. डायरेक्टर नॉर्मली जैसा हमेशा होता है कि मैं कॉप प्ले करता हूँ, तो इसमें भी कुछ अलग तरीके का कॉप है इतना कह सकता हूँ, जो शायद अभी तक मेरा शायद वो रूप देखने को मिला ही नहीं है ऑडियंस को. मुझे खुद नहीं देखने को मिला था वो रूप. हाँ तो ये मुझे खुद ये नया रूप देखने को मिला एज एन पुलिस कॉप, लाइक एज एन पुलिस ऑफिसर टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस मेरे लिए एक चैलेंज था. मैंने अभी तक वैसा प्ले नहीं किया था. तो आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. यू नो मैं तो फिल्म द्वारा मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा. आप लोग ये जाकर फिल्म देखिए एंड कुछ तो मिलेगा इस फिल्म से आपको, एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा. यू नो जो आज हो रहा है या जो सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, तो शायद एक नया पर्सपेक्टिव मिले उनको इस फिल्म से, मुझे ऐसा लगता है. तो मोस्टली होता है कि यार आई एम शूटिंग, यार मैंने तो लगता था कि यार उसको लग रहा है बहाना बना रहा हूँ. जिस दिन मैं यहाँ उस दिन शूटिंग कर रहे थे, वैसे तो कम दिखते हो. तो मैंने कहा नहीं यार अभी आई वाज डूइंग पद्मावती, तो उनका शूट काफ़ी मतलब लंबा चल रहा था, कभी शाम को 7 बजे सुबह 7 बजे. तो आज छुट्टी थी, अब कल सुबह फिर शूट है. लकीली आज इफ्तार पार्टी अटेंड करने के बाद आराम से सो के सुबह शूटिंग पे जा सकता हूँ. एंड आई विश एवरीवन एंजॉय इफ्तार, एंजॉय रमज़ान. एंड बहुत मज़ा आता है जैसे ये त्यौहार भी हमें त्यौहार लगने लगे जैसे दिवाली होली होता है. तो क्योंकि करण लाइक ही इज सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग इन शॉर्ट, तो ही नेवर स्किप एनीथिंग. तो अभी जब करण का मैसेज आया तो उसने ही रिमाइंडेड मी कि ठीक है भाई आ रहे हो ना. मैं नहीं पहुँच रहा हूँ अभी, बस रिश्ते में हूँ. तो इट्स गुड टू बी हेयर ऑलवेज एंड आई एम एंजॉइंग. और बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का जरूर खाऊंगा. तो काफ़ी चीज़ें वेट कर रहा हूँ खाने के लिए. हाँ भाई है ना सब कुछ? हाँ भाई पूरा खाना पड़ा हो भाई, पूरा खत्म. थैंक यू थैंक यू. यार मेरे लिए तो फैमिली वाली बात है क्योंकि पहला साल नहीं है. मैं जब से करण को जानता हूँ मैं उतने सालों से तुम्हें हमेशा बुलाता हूँ और मैं हमेशा आता हूँ. पहली बार मैं लेट हो गया हूँ एक्चुअली यहाँ आने में, पर मैं सोचा हर बार मैं नाश्ता करके निकल जाता हूँ आज डिनर. आई थिंक हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर इतने फेस्टिवल होते हैं और ये स्पेशली हमारी जो मुस्लिम कौम है उनके लिए एक तरह से कहते हैं सबसे बड़ी उनका महीना है, पाक महीना होता है, तो उसे क्यों ना सेलिब्रेट करें हम लोग. सो आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इतने सालों से मेंटेन कर रहा है और अच्छे लेवल से मेंटेन कर रहा है. सो मैं हमेशा इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ. और खाना मैं ईद की शुभकामनाएं सिर्फ मेरे मुसलमान दोस्तों को ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया को, पूरे पाकिस्तान को, सब किसी को देना चाहूँगा जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, क्योंकि मुझे पता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है. सो हैप्पी ईद एंड आई होप मुझे भी कुछ गिफ्ट भेजें आप. ईद ही भेज दो भाई को, ईद ही भेज दो यार. आई वुड लव टू हैव सम. सो या और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं. पति का प्यार चाहिए तो पेट से गुजरता है, तो वैसे ही हमारी बीवी है. मतलब जब देखो खिला पिला के सबको खुश रखता है, तो एक तरह से हमारी बीवी है, सबको खिलाता पिलाता है, पार्टी देता है. बहुत बार मैं आ नहीं पाता पर आज मैंने डिसाइड किया, आज भी बिजी था, लेकिन बोला नहीं भाई हमेशा इतने मैसेज फ़ोन. तो खास करण भाई के लिए आया हूँ और सब लोग के लिए दुआ है जिनकी भी अभी ईद है उनके लिए इफ्तार पार्टी. अब कुछ ही दिनों में अभी मंडे शायद ईद होगा, तो मेरे तरफ से सभी को ईद मुबारक, सभी दोस्तों को और सभी जो देख रहे हैं मुझे लाइव. ईद पे ट्यूबलाइट रिलीज होने वाला है, तो ट्यूबलाइट के साथ मेरी फिर एक कायरे रास्कला करके एक मराठी फिल्म का टीजर आने वाला है, तो उसमें आप मुझे देखोगे. ध्यान से देखना मैं हूँ उसमें, जो बड़ा ये सबसे मेन हीरो दिखाई देगा वो मैं रहूँगा. तो उसी बस ट्यूबलाइट और जो भी हमारे साथ खुशी चल रही है और सबसे ये जो मौका है ईद का, इसमें हम लोगों को रोज़ा के बहाने खाने पीने मिलते हैं और ऐसे लोगों को मिलने मिलता है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को, तो बस खुशी है एंड थैंक यू सो मच. आ जा आ गए ना टीम में, सनी एक और टीम मेंबर आ गया. ये वैसे बाय द वे इस बार BCL में टीम है जिसमें मैं फिर से को ऑनर हूँ,
अहमदाबाद एक्सप्रेस. सो मेरी बहन उसमें है, मस्की भाई इसमें है. और मस्की तो है ही, मस्की तो कैसे नहीं रहेगा, मस्की रहेगा. इसकी बॉल ऐसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता. माय गॉड, इधर ही तारीफ हो रही है, अब क्या करें. मुंह मियां मिट्टू बन गया. आप कुछ कहिए? Like to congratulate you. Thanks a lot. Thank for you. All the success and especially for this iftar party like last year. ये साल भी है, ये हमको खूब पेट भर के खिलाते हैं. हाँ, I was there last year. नहीं, बहुत पार्टी देता लेकिन बाद में मिस करता. आज मैं खूब खिलाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस पे यहाँ वहाँ नाचते हैं. सोते हैं इनके एक साल के अंदर तो हर बार ही अच्छे कपड़े पहना के बुला लेते हैं हमें. तो आज के दिन हम खाएंगे खाना, इफ्तारी आज करेंगे. और आई थिंक खाने से रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसमें हमेशा खुशी होती है. और तो अभी यहाँ पे आए करण को विश करने, ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर एंडेवर्स के लिए और अच्छी एक शाम बिताने के लिए जहाँ पर अच्छा मस्त खाना खाएंगे. और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्यूबलाइट देखिए. सलमान सर बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली. बट आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है. एंड आई थिंक कि जो रोज़े लोग रखते हैं, इट्स हैट्स ऑफ टू देम. और मैं भी खुद अगले साल में खुद ट्राई करूँगा कि मैं भी रख पाऊँ. मैंने आज तक कभी रखे नहीं है. बट ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी हैप्पी ईद टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस. मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. आई थिंक ऑफकोर्स सलमान सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और कबीर खान जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. सो आई एम गोना बी वॉचिंग ट्यूबलाइट फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. एंड आई होप लोगों को अच्छी लगे, उनको भी मज़ा है. प्रोजेक्ट फुकरे रिटर्न्स हमारी ख़त्म हुई है, वो 8 दिसंबर 2017 में आएगी. वो अभी ख़त्म हुई और अभी एक फिल्म है जो जिमी शेरगिल और मैं उसमें जो कि स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई में. तो ये दो चीज़ें हैं जिन पर मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ. इन्वाइटेशन कर देके मुझे बुलाता है. पार्टी बहुत अच्छी होती है, ऐसा ही कार्यक्रम हर साल आप करते रहो. थैंक यू. और आपका शुभेच्छा रहेगा. धन्यवाद सर. बहुत बड़ा एक्टर है, बड़ा बहुत बड़ा एक्टर बनेगा. मैं उसको शुभेच्छा देना चाहता हूँ. हम लोग पॉलिटिक्स वाला है, एक्टर लोग भैया हर साल मेरे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. वो छोटी सी चीज़ हो, बड़ी सी चीज़ हो, एक बेल में आज तक उन्होंने फ़ोन उठाया. आधी रात को भी कहते ना लीडर बनना ज़रूरी है, नेता तो सब बन जाते. तो भैया एक्चुअली लीडर है. थाने में बहुत लोग प्यार करते हैं, जनता दिल से जुड़ी है इनसे और शिंदे जी से. और एक्चुअली मैं भी दिल से जुड़ा हूँ. मैं अंधेरी रहता हूँ, मेरी इंडस्ट्री यहाँ पे है. बट जब भी कोई मिलता है तो डेफिनेटली भैया का दीवाना हो जाता है. और हम सब बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. जिस प्रकार इन्होंने हर साल एक रोज़ा इफ्तार का जो पार्टी रखते हैं, इसके माध्यम से जितने भी फिल्मियाँ हस्तियाँ होती हैं, सीरियल वाले लोग होते हैं, वो लोग उपस्थित रहते हैं और उन लोग एक साथ मिलके, उनके समाज लोग उन्हें मिलके एक साथ इफ्तार मनाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन लोग रोज़ा इफ्तार का पार्टी रखते हैं, वैसे ही आने वाले दिन में करण सिंह प्रिंस एवं बबीता वर्मा होली मिलन समारोह और दिवाली मिलन समारोह भी बनाएं. में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो मेरे तरफ से. और इंशाल्लाह उसी तरह तरक्की करते रहें और उनकी रोज़ाना बरकत रहे. थैंक यू.